फ्रेंड्स, मैं सोनाली। आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपको स्पर्धा परीक्षा में बहुत लाभदायक होंगे। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है, भारत में अशोक का शासन काल था। ए 273 से 232 ईस्वी सन पूर्व, बी 273 से 242 ईस्वी सन पूर्व, सी 273 से 222 ईस्वी सन पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए 273 से 232 ईस्वी सन पूर्व। क्वेश्चन नंबर टू है, मौर्य काल में माप और तौल का अध्यक्ष था। ए संस्थाध्यक्ष, बी लवणाध्यक्ष, सी शुक्लाध्यक्ष, डी पोतवणाध्यक्ष। आंसर है डी पोतवणाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर थ्री है, निम्न में से कौन प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है। ए शिल्पाधिकारम, बी मणिमेखले, सी तोलकप्पियम, डी पुराणानुरु। आंसर है डी सी तोलकप्पियम। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बंदुसार। आंसर इज ए चंद्रगुप्त। निम्न में से सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। ए कुजुल कड़फिसेस, बी विम कड़फिसेस, सी मिलिंद, डी कनिष्क। आंसर है बी विम कड़फिसेस। मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक था। ए मंच प्रबंधक, बी स्वर्ण चांदी तथा तांबे का परीक्षण, सी सिक्कों का परीक्षण, डी गणिकाओं का अध्ययन। आंसर है सी सिक्कों का परीक्षण। भारत में रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज निम्न में सर्वप्रथम की गई है। ए अमेरिका मेडू, बी मुजिरिस, सी भरूच, डी ताम्रलिप्ति। आंसर है ए अमेरिका मेडू। निम्न में किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया। ए चंद्रगुप्त, बी मिलिंद, सी पुष्यमित्र शुक, डी कनिष्क। आंसर डी कनिष्क। निम्न में टोचारियन कौन थे। ए हिंद यवन, बी शक, सी पार्थियन, डी कुषाण। आंसर डी कुषाण। शुक शासन अग्निमित्र निम्न में किस लेखक की कृति का नायक था। ए पतंजलि, बी अश्वघोष, सी कालिदास, डी बाण। आंसर सी कालिदास। मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। ए पूर्व आर्य काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी मौर्य काल, डी कुषाण काल। आंसर डी कुषाण काल। इंदागई तथा वलांगई थे। ए सामाजिक वर्ग, बी शैवपद, सी राजकीय समारोह, डी वैष्णवपद। आंसर ए सामाजिक वर्ग। कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। ए प्रताप रुद्र, बी अनंत वर्मन, सी नरसिंह एक, डी नरसिंह दोन। आंसर सी नरसिंह एक। पट्टिनम थे। ए मंदिर शहर, औद्योगिक शहर, सी बंदरगाह शहर, डी व्यापारिक शहर। पट्टिनम। आंसर बंदरगाह शहर। संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था। ए कम्बन, बी कुट्टन, सी विल्लिपुत्तर अलवार, डी वनार। आंसर बी कुट्टन। निम्न में से किसने मानसून की खोज की। ए हेरोडोटस, बी हिप्पेलस, सी होमर, डी टोलमी। बी हिप्पेलस। निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। ए मुरुगन पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी, बी वरुण वानिक, सी कृष्ण चरवाहे, डी कोरवई योद्धा। आंसर बी वरुण वानिक। कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता था। ए यूची, बी हिंद यवन, सी मंदुकनियानी, डी पहलव। आंसर ए यूची। ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है। ए
ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो, बी गुलाम माता पिता का बच्चा, सी गुलाम माता पिता के गुलाम बच्चे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो। कुषाण शासक कनिष्क ने शासन काल में लिखी गई धार्मिक बुद्ध ग्रंथों की भाषा थी, ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी यशवी। आंसर सी संस्कृत। बृहदेश्वर मंदिर कर निर्माण किसने करवाया था? ए परांटका, बी अनुरुद्धापुर, सी राजाराज, डी राजाराज। आंसर सी राजाराज। 1854 की वुड्स डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किसने आयोग का गठन किया गया था? ए बटलर आयोग, बी हंटर आयोग, सी हेनरी आयोग, डी सडलर आयोग। आंसर बी हंटर आयोग। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी व्यक्तिगत सत्याग्रह, डी सविनय अवज्ञा। आंसर है बी स्वदेशी आंदोलन। इंडिका को लिखा था? ए सेल्यूकस, बी मेगास्थनीस, सी कालिदास, डी प्लिनी। आंसर बी मेगास्थनीस। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी अजातशत्रु। आंसर ए चंद्रगुप्त मौर्य। सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपाली से वेदरनयम तक मार्च का नेतृत्व किसने किया? ए चिन्नप्पा, बी गांधी, सी राजगोपालाचारी, डी सरोजिनी नायडू। आंसर सी राजगोपालाचारी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है निकट आना और निकट बैठना। ग्रंथों में शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत का समावेश है। उपनिषद के बारे में निम्न कथन में से कौन सा सही है? ए एक और दो दोनों, बी केवल एक, सी केवल दो। आंसर ए एक और दोनों। निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? ए चाणक्य, बी अशोक, सी पाणिनि, डी विश्वामित्र। आंसर ए चाणक्य। निम्न में से कौन सबसे पुराना वेद है? ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। आंसर सी ऋग्वेद। निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। दशश्लोकी की रचना किसने की थी जो तीन वास्तविकताओं ब्रह्म, आत्मा और पदार्थ से संबंधित था? ए निम्बार्क, बी रामानुज, सी माधव, डी वल्लभाचार्य। आंसर ए निम्बार्क। ब्रह्म सूत्र पर किसने एक टिप्पणी लिखा था जिसमें शारीरिकाड़ा का खंडन किया गया था और आस्तिक विचारों पर आधारित एक व्याख्या प्रस्तुत की गई थी? ए निम्बार्क, बी रामानुज, सी माधव, डी वल्लभाचार्य। आंसर बी रामानुज। निम्नलिखित में से किस भक्ति संप्रदाय की स्थापना बिरबान द्वारा की गई थी जिसके धार्मिक ग्रंथ को सिखों के ग्रंथ के रूप में पूजा जाता है? ए पोथी, बी सतनामी, सी वैष्णव, डी शैव। आंसर बी सतनामी। निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसकी कविता को सुर सागर, साहित्य रत्न और सुर स्वरावली में संकलित किया गया था? ए सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी कालिदास। आंसर ए सूरदास। निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने प्राचीन दार्शनिक अद्वैतवाद, वाल्मीकि रामायण की कविता और गरिमा एवं भागवत की भक्ति एवं मानवतावाद के मिश्रित स्वरूप वाले भक्ति पर बल दिया? ए सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी कालिदास। आंसर सी तुलसीदास।
शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी जिसे शास्त्रों का सार भी कहा गया था? ए मीराबाई, बी तुलसीदास, सी कबीर, डी चैतन्य। आंसर डी चैतन्य। इनमें से कौन भारतीय दर्शन शास्त्र का विधर्मिक स्कूल नहीं है? ए वैशेषिका, बी आजीविक, सी उच्छेदवाद, डी नित्यवादी। आंसर ए वैशेषिका। किस भक्ति संत को श्री गौरंग के रूप में जाना जाता है जो बंगाल से थे और लोकप्रिय वैष्णव संत तथा समाज सुधारक थे? ए चैतन्य, बी मीराबाई, सी शंकराचार्य, डी कबीर। आंसर ए चैतन्य। ब्रह्मसूत्र पर आधारित भाषा टीका वेदांत पारिजात सौरभ को किसने सरल भाषा में लिखा था? एक निम्बार्क, बी रामानुज, सी माधव, डी वल्लभाचार्य। आंसर ए निम्बार्क। किसने दृढ़ता से सांप्रदायिकता और संस्कार का विरोध किया था तथा संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने पर जोर दिया था? ए चैतन्य, बी रामानुज, सी शंकराचार्य, डी रामानंद। आंसर डी रामानंद। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत का रामानुज के योग्य अद्वैतवाद में विश्वास नहीं था और उन्होंने द्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया? ए माधव, बी रामानंद, सी वल्लभाचार्य, डी चैतन्य। आंसर ए माधव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अटेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? ए पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, बी पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1852, बी 1856, सी 1858 या डी 1860। आंसर सी 1858। निम्नलिखित भारतीय दार्शनिक में से कौन वर्धमान महावीर के पहले शिष्य थे? ए अजित केशव कंबली, बी मखखली गोसाला, सी पंकुजा कच्छायाना, डी संजय बेलातीपुत्त। बी आंसर है बी मखखली गोसाला। इनमें से कौन भारतीय दर्शन शास्त्र के अजैविका स्कूल का समर्थक था? ए अजित केशंकबली, बी मखखली गोसाला, सी पंकुदा कच्छायाना, डी संजय मेलातीपुत्त। आंसर है बी मखखली गोसाला। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ए लॉर्ड विलियम बेटिक, सर बी सर चार्ल्स मेटकाफ, सी लॉर्ड ऑकलैंड, डी लॉर्ड एलेनबोरो। आंसर है बी सर चार्ल्स मेटकाफ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सहसंस्थापक थे, बी वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, सी उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कंसेप्ट के लिए जाना जाता है, डी उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्राह्मो समाज की स्थापना की। आंसर डी उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्राह्मो समाज की स्थापना की। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कार्ताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? ए डच, बी फ्रांसीसी, सी अंग्रेज, डी पुर्तगाली। आंसर है डी पुर्तगाली। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? ए कराची अधिवेशन 1913, बी बॉम्बे अधिवेशन 1915, सी लखनऊ अधिवेशन 1916, डी कलकत्ता अधिवेशन 1917। आंसर है सी लखनऊ अधिवेशन 1916। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? ए बंगाल विभाजन, बी जालियनवाला बाग हत्याकांड,
सी भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड डी उपरोक्तों में से कोई नहीं। आंसर है बी जालियांवाला बाग हत्याकांड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 50 प्रश्न और उत्तर देखे हैं। अगले वीडियो में भी हम 50 आंसर और क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।